শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে রাজ্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে। হিংসামুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্য অগাস্ট মাস থেকেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধাপে ধাপে কার্যকর করা হয়েছে এবং 3-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয়সহ পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী সারা রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছে বলে কিরণ গিত্তে উল্লেখ করেন। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले होगा और फिर जो नॉर्मल जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग करते हैं वो हमने फॉलो अप किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, जो मिशन जीरो पोल वायलेंस शुरू किया है, उसके तीन लेयर्स हैं, उसके तीन स्तर है या 3 टायर आप उसको बोल सकते हैं कि पहला है उसका टायर है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हमें 100 कंपनियां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली थी वो 28 दिसंबर 2022 को आई थी। এই লক্ষ্যে সারা রাজ্যেই নাকা পয়েন্টে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে বলে জানান তিনি। 250টি নাকা পয়েন্টের মাধ্যমে এই অভিযান চলছে বলে কিরণ গিত্তে জানিয়েছেন। আমি আজ ত্রিপুরা মে আপ কহিন ভি জাইয়ে আপকো প্যারামিলিটারি ফোর্স কা প্রেজেন্স দিখতা হ্যায়, গাঁও কে লোগোঁ কো দিখতা হ্যায়, শহরোঁ মে দিখতা হ্যায়, অর আবি নাকা পয়েন্টস অর ফ্লাইং স্কোয়াড ভি হাম লোগ প্যারামিলিটারি ফোর্স কে मदद से कर रहे हैं। तो त्रिपुरा में करीब 250 के ऊपर नाका पॉइंट्स हैं जो 24 घंटा हम लोग उसको चलाते हैं। हर एक नाका पॉइंट में तीन टीम है, एक नाका पॉइंट में 3 टीम है और वहां पे सीसीटीवी कवरेज दिया जा रहा है। आज हम आपको एक प्रेस रिलीज देंगे, आपको न्यूज मिला होगा कि चुराईबरी में हमें आज करीब 10 करोड़ का गांजा मिला है, एक ट्रक पूरा ट्रक ही मिला और सिपाही जला में बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो ये सब हम लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का जो प्रेजेंस है, जो पहला टायर है। दूसरा टायर है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্য আরক্ষাকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, আরই নিউজ।